सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। होप्स आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। सो एट लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अपना व्लॉगिंग। अब रेगुलर व्लॉग आएंगे, शिकायत की मौका नहीं मिलेगा आपको। और अभी सुबह ही हो रही है, 7 बज रहे। ये शाम का मौसम नहीं है, अभी क्या मानसून शुरू हो चुका है यहाँ पे, तो हाँ अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से बाल बहुत चिपचिप हो गए। कोई बात नहीं। तो करंट वेट है 93, बॉडी कंडीशन ठीक ठाक है। आज है लेग डे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एनर्जेटिक तो फील हो रहा है, 2-3 दिन से हैवी वेट भी लग रहे हैं, कट से थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू द जिम एंड हेड टू द वर्कआउट। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग। Ground for man, I'm only headed up. See my flow volcanic, it's the fire I erupt. Heard the fans getting rowdy because they haven't had enough. So guys, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करो, उससे पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पहले भी बाद में भी। नो योर स्ट्रेचेस। डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है, और भी कई तरीके की स्ट्रेचिंग होती है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने जो मसल्स सोर हैं जिनको मैं ट्रेन करने वाला हूँ, और जो जॉइंट्स है जो सोए पड़े थे, मतलब जो इतने एक्टिव नहीं थे उस टाइम तक, उन्हें एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन में लाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम जाग जाओ और तुम्हें कोई इंजरी फेस नहीं करनी है, तुम वी विल बी रेडी जो आने वाला है उसके लिए, जो भी तुम एक्सरसाइज करना लो, वेट उठाना लो उसके लिए। देन वी स्टार्टेड विद सम लोअर बैक स्क्वाट्स। और इन्हें बैक स्क्वाट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें हम जो बार हैं हम बैक पे रखते हैं, और लोअर इसलिए क्योंकि हम लोअर ट्रैप्स पे रखते हैं बार इसके अंदर। ये जो है ये बहुत ही एक मतलब लेग ब्लास्टर मान सकते हैं आप इसको, ओवरऑल लेग्स ट्रेन करता है, ना ही सिर्फ हैम, ना ही सिर्फ क्वाड्स, ना ही सिर्फ काफ्स, ये ओवरऑल लेग्स ट्रेन करता है। और ये वाला एंगल मैं जानता हूँ कई लोगों को अजीब लग सकता है, मुझे भी लगा था शूट करने में, लेकिन ये मैंने जानबूझ के डाला है। किस लिए? दिखाने के लिए करेक्ट फॉर्म कैसे होता है, करेक्ट स्टेपिंग कैसे होता है, करेक्ट ब्रेस कैसे होता है, और कितनी डेप्थ कोई जा सकता है। देखिए शुरुआत में तो ये डेप्थ आपको नहीं मिलेगी अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, ये विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दिस डेप्थ कम्स। तो शुरुआत में वार्म अप के लिए हमने विदाउट एनी वेट्स केवल बार से हमने ये जो है स्क्वाट वो परफॉर्म करा, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे एक्स्ट्रा आना, पंप आना शुरू हो जाए, और थोड़ा सा वो मुझे पता भी चल जाए अगर मुझे कहीं दर्द वर्द हो रहा है या फिर कुछ भी। तो देन हमने अपना सेकंड सेट लगाया दोनों तरफ 20-20 केजीज की प्लेट डाल करके। और ये एंगल इसलिए था क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है कि हम पूरे अपराइट नहीं हो पाते स्क्वाट्स के अंदर, पूरे सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो देखिए आपके स्क्वाट्स पर डिपेंड करता है आप किस तरीके के स्क्वाट्स लगा रहे हैं। अगर आप अपनी हील एलिवेट करके और सिर्फ क्वाड्स के लिए एक क्लोज ग्रिप स्क्वाट लगा रहे हैं क्लोज फीट करके, तो उसके अंदर आपका अपराइट रहना बहुत इजी है, या फिर आप एक किसी स्मिथ मशीन पे लगा रहे हैं तो उसमें भी इजी है, लेकिन इतना बेंड नॉर्मल है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है जो कि बैक पे आ सकता है। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा और वेट अप करा दोनों तरफ 20-20 केजीज और ऐड करा। और ये जो है हमारा थर्ड सेट था, इसके हमने 5 सेट लगाए थे। अब जैसा कि मिरर में दिख रहा है, मेरे जो रेप्स हैं वो बिल्कुल फर्म निकल रहे हैं, मैं ज़्यादा आगे बेंड नहीं हो रहा हूँ नीचे जाते टाइम, जितना मेरा स्टार्टिंग बेंड है उतना ही है, लेकिन मैं एक चीज़ कर रहा हूँ नीचे जाते टाइम जो अपने ग्लूट्स है वो पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ, जिससे क्या ना मेरे बैक सेक्रीफाइस करेगी और ना मेरे ही लेग्स। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो फिटनेस से लेकर के, डेली लाइफ से लेकर के, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो किसी एक्सरसाइज के लिए, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। देन वी स्टार्टेड आर लेग प्रेस। ये जो है ये मेरा वार्म अप सेट था दोनों तरफ 25-25 केजी, और नी स्ट्रैप्स मैंने इसलिए पहने हैं, नी कवर्स इसलिए पहने हैं क्योंकि मैं रेंज ऑफ मोशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ,
और उसी के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे को इंजरी ना हो। और लेग प्रेस पे आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की इंजरी होती है नीज लॉकआउट करने की वजह से, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये जो नी रैप्स हैं ये पहने। अब जब मेरा सेट ओवर होगा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैं जो है अपने एक एक पैर को हटा करके सिर्फ एक पैर के बल पे और उसे हल्के पल्सेशंस दे रहा हूँ, और फिर लास्ट में मैंने हल्के से थोड़े से काफ्स से भी प्रेस करे हैं। तो ये क्या है, ये रिजिडिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी आपके पैर थके हुए हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे क्या आपके स्ट्रेंथन पोजीशन में, क्योंकि आप लेटे हुए हैं एक इंक्लाइन एंगल पे, तो ये जो है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के अंदर हेल्प करता है थोड़ा। देन प्लेटें कम पड़ गई थी, प्लेट्स, तो हमने अपने भाई को ही बैठा लिया ऊपर, 25 केजी की टू प्लेट्स, 20 केजी की दो दो प्लेट दोनों तरफ, यानी 40 केजी दोनों तरफ प्लस 25 केजी को दोनों तरफ, और ऊपर 55 किलो का ये लड़का। और कई लोग क्या करते हैं कि वेट लगाने के चक्कर में अपना जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना जो रेंज ऑफ मोशन है उसको पूरा एंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने वो बिल्कुल नहीं करा, मैंने पूरी डेप्थ लगाई है और कंट्रोल्ड लगाए बिल्कुल, और साथ ही में जो पूरी सेफ्टी उसका भी ध्यान रखा है। और लास्ट में स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए हमने करे स्टैटिक होल्ड्स। अब क्योंकि मैं करता हूँ इंटेंस वर्कआउट्स, तो यहाँ तक आते आते वैसे ही बहुत थक चुका था, लेकिन कीप गोइंग ऑन रखना था, तो इसके बाद हमने करे फ्रंट गॉबलेट स्क्वाट्स के दो सेट क्वाड्स को आइसोलेट करने के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, आप उसकी विजुअलाइजेशन देख पा रहे होंगे, जो मैंने कहा था कि सीधे नहीं रहा जाता, अपराइट नहीं रहा जाता, इसमें मैं कितना अपराइट हूँ, क्योंकि मेरी फीट जो है वो क्लोज में है और हील्स एलिवेटेड है, तो जब क्वाड्स को मैं कर रहा हूँ, मेरे क्वाड्स जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, और ग्लूट से मैं ऊपर पुश कर रहा हूँ, तो इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्टे अपराइट। देन हमने अपना जो दूसरा सेट है वो फिनिश करा 30 केजी के डंबल से, और मैंने इसमें कोशिश करी है कि जो ईसेंट्रिक है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो, जर्क कम से कम मारूं, और उसके अलावा जो ब्रीदिंग टेक्निक है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि वो मेरी बहुत वीक हुआ करती थी स्क्वाट्स के अंदर। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जो लेग्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है शरीर की, क्योंकि लड़कों के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम करती है, जिससे मसल बिल्डिंग और स्किन क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी बहुत कुछ इम्प्रूव होता है, और लड़कियों के अंदर जो है वो बॉडी टोनिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, और कई सारे मेडिकल आस्पेक्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छी होती है ये चीज़। सो आई रिकमेंड टू ट्रेन योर लेग्स हार्ड एंड अलॉन्ग विद द इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम जो भी आप ले रहे हैं स्ट्रेंथ वगैरह, आप सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिए। अगर बिगिनर है तो सुपरविजन में करिए किसी ट्रेनर वगैरह के, और अगर करते आए हैं बहुत टाइम से तो आप जो हैं खुद से कर सकते हैं, लेकिन संभल के। देन मैंने हैमस्ट्रिंग टारगेटेड बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करे, और लोग बोलेंगे बोले स्प्लिट स्क्वाट्स तो एक ही तरीके से होते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। तो हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए आपको हल्का सा आगे की तरफ झुकना होता है, और जो पैर आप ट्रेन कर रहे हैं उसी के पूरे बल पे खड़ा होना होता है, मतलब कि कोई भी स्विंगिंग नहीं है। ये एक्सरसाइज के अंदर एक बहुत ही डीप स्ट्रेच आता है, और जो इसे ढंग से कर पाए उसके लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, तो माई वे टू डू इट इज़ के मैं एक हैवी वेट लेता हूँ, इतना कि जो मेरे से संभल पाए मैं 6 to 8 रेप्स निकाल सकूँ, और उसके अलावा मैं ढंग से वो 6 to 8 रेप हैं जो बिल्कुल कंट्रोल में निकाल सकूँ बिना किसी जर्क वगैरह के, और इतना लेता हूँ, इसके एक या दो सेट लगाता हूँ, और पूरे अपना टाइम लेकर के इंटेंसिटी के साथ लगाता हूँ। करा और बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, शायद मैं बैलेंस वापस रीगेन करके और करिए अपनी स्किनी टांगे फ्लेक्स। हाँ, ये थोड़ा सा क्वाड्स जो है उनको फ्लेक्स करने के अंदर कई बार दिक्कत होती है, तो मैंने काफ पे चढ़ा लिया, काफ बड़े दिखेंगे ये क्वाड्स भी हैं। ये हो गया पहलवान ऑमलेट।
देन हमने दो सेट जो है वो लेग एक्सटेंशन के भी लगाए थे, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाए, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती क्योंकि, और फिर हमारे पास बेल्ट स्क्वाट की मशीन तो नहीं है, लेकिन हमने कुछ मेक शिफ्ट करके बनाया, चेन वगैरह लगा करके, और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करी। ये जो है ये ग्लूट्स के लिए, अबडक्टर्स के लिए और इनर थाइस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। और ये जितनी भी मैंने मसल्स बोली हैं, ये जो है ये हमारी स्टेबलाइजेशन के अंदर काम करती हैं। जब मैं कोई स्क्वाट लगा रहा हूँ तो मैं डिसबैलेंस नहीं हो जाऊँगा उससे, मैं स्टिफ रह करके, रिजिड रह करके ढंग से स्क्वाट लगा पाऊँगा। और नॉर्मल डे टू डे कहीं खड़ा हूँ तो उसके अंदर भी मेरे लिए हेल्प कर रहा है, कुछ उठा रहा हूँ उसमें भी मेरी हेल्प कर रहा है, मतलब हर एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से ये स्टेबलाइज कर लेती है मसल। Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I signed with a stylist. फिर हमने करे स्टैंडिंग काफ रेसेस, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। कई लोगों के काफ छोटे रह जाते हैं तो उनके लेग भी स्किनी लगते हैं अगर वो हाफ शॉर्ट्स वगैरह कुछ पहनते हैं तो, क्योंकि जो उनका लेग का मासिव पार्ट है वो तो छुपा हुआ है, और काफ जो है वो पूरी मतलब फिजिक अंडररेटेड कर देते हैं पूरी। और उसके अलावा कई सारे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और पुशिंग वगैरह के मूवमेंट्स हैं उनके अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं काफ्स। फिर हमने जो रैप्स लगा रखे थे वो हटा लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टिंग भी थे, और उसके अलावा थोड़ा फ्लेक्स भी तो करना ज़रूरी है। तो गाइस एंड हो चुका हमारा लेग डे, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। अभिषेक भैया ने पकड़ लिया आज, लेकिन अब ऐसे इंटेंस वर्कआउट देखने को मिलेगा आगे आपको। कैलोरीज वापस ऑन ट्रैक आ रही हैं अब धीमे धीमे, ब्लड फ्लो आज इतना था पैरों के अंदर के अब कट्स भी नहीं दिख रहे थे। पहले शुरुआत करी तब दिख रहे थे अच्छे से, मतलब सेपरेशंस थे सारे हेड्स में, लेकिन आगे जाते आते हालत खराब हो गई। बस कैसे से घर पहुंचना है। ओके सो इस व्लॉग के लिए इतना ही, कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इससे हम दोनों की हेल्प होगी, आपकी भी और मेरी भी। मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरी रीच बढ़ेगी तो मैं और अच्छा कंटेंट बनाने में सफल होऊंगा। और जब आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी, आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व होंगी, और ऐसे ही बहुत कुछ। तो अभी के लिए तो पीस आउट।